यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारो, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक सामर्थ्य से भरा हुआ एक वचन के साथ आपसे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर इस वचन को सुनिए। ये वचन आपके जिंदगी में परमेश्वर के दया को जरूर प्रकट करेगा। हाय, हम उस वचन की ओर हम जाएंगे। भजन संहिता 145 उसके नवा वचन। भजन संहिता 145:9, यहोवा सबों के लिए भला है और उसी की दया उसके सारे सृष्टि पर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन कहते हैं यहोवा परमेश्वर सारे लोगों के लिए, सभी के लिए भला है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं जिस यहोवा परमेश्वर के बारे में आपको बता रहा हूं, वो सारे लोगों के लिए भला है। इसे सुनने वाला कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, या कोई भी भाषा बोलने वाला हो, आप सभी के लिए परमेश्वर भला है। वो भला परमेश्वर है, इसलिए हमेशा वो भला ही करते हैं। कभी हमारे जीवन में वो बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि वो भलाई परमेश्वर है, इसलिए भलाई करते हैं। आप कोई भी हो, फिर एक बार मैं कहता हूं, आप कोई भी भाषा बोलने वाला हो, या आप कोई भी जाति का हो, आप कोई भी देश में रहकर सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर भलाई करना चाहते हैं। इसलिए समय आज के दिन इस वचन को मुझे देकर आपके पास कहने के लिए बोला है। ये वचन को सुनने वाला हर एक जीवन में परमेश्वर भलाई करेगा। वो भलाई परमेश्वर इसलिए भलाई करेगा, जब यीशु मसीह दुनिया में था, बहुत सारे भलाई किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़े को पैर दिया, मरे हुए लोगों को जिलाया, इस तरह कई चमत्कार को यीशु मसीह ने किया। एक बार एक तालाब, बदस्ता नाम की तालाब के पास 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा था। उसको वहां पर मदद करने वाला कोई नहीं था, वहां पर उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। 38 साल से एक ही जगह पर पड़ा था, वहां से वो हिल नहीं सकता था। जब तालाब कोई स्वर्गदूत आकर उसे हिलाने के समय, ये जाने के पहले और कोई जाकर उतर कर चंगा होकर चला जाता था। इसी तरह धोखा में, इसी तरह परेशान में 38 साल गुजरा। एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसको ढूंढ कर गया। ढूंढ कर जाकर 38 साल जो बीमार पड़ा वो व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई किया। यीशु मसीह ने उनके जीवन में भलाई किया। वही परमेश्वर आज आपसे भी बात कर रहे हैं। कई दिनों से आप बुराई में जी रहे हैं, या कई सालों से आपके जिंदगी में बुराई ही बुराई है, कोई भलाई नहीं है कर सोच रहे क्या? आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भलाई करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह भलाई करने वाला परमेश्वर है। इस संकट के समय में आपको मदद करने वाला कोई नहीं हो सकता है, आपको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करो, इस वचन के ऊपर आप विश्वास करो, यीशु मसीह जरूर आपके लिए भलाई करेगा। आपके जॉब में, आपके पढ़ाई में, आपके परिवार के जीवन में, हर एक तरह से यीशु मसीह आपको भलाई करने के लिए सवेरे सवेरे आपसे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह हमें भलाई करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, वही के दूसरे भाग में हम पढ़ा है, और उसी की दया सारी सृष्टि पर है। सारी सृष्टि पर उसके दया है। परमेश्वर हरेक के ऊपर दया कर रहे हैं, दया करने वाला है, दयालु परमेश्वर है। सारे सृष्टि पर कोई भी हो, सभी के ऊपर परमेश्वर दया करते हैं। वही हम तीतु की किताब 3 अध्याय की 5वें वचन में पढ़ते हैं, हम हमारे न्याय की क्रिया के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, उनके दया के अनुसार हमें परमेश्वर ने उतार किया है, बचाया है। जब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर उतर कर आते हैं, तो वो हमें छुटकारा देते हैं, हमारे क्रियाओं को देखकर नहीं। हम अच्छा है, बहुत भला कार्य कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा इंसान है, इससे देखकर परमेश्वर हमें नहीं छुटकारा देता है, हमें नहीं उतार करता है। वो अपने दया को देकर, अपने दया के अनुसार, अपने दया को हमारे ऊपर प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें उतार करते हैं। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कोई भी पाप में फंसाए क्या? कोई अभिलाषा के गुलाम बनकर आप जी रहे क्या? आप नहीं करना है कर सोच रहे, फिर भी वही पापों को कर रहे क्या? आप कई बार वेदना के साथ, मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा क्या कर जिंदगी बिता रहे क्या? आज परमेश्वर के इस वचन को विश्वास करो। परमेश्वर अपने दया को, दया के अनुसार
आपको सभी प्रकार के पापों के बंधन से वो छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए आज आपसे वो बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में छुड़ाते हैं। आज इस वचन को सुनने के समय ही मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की बहुमूल्य दया आपके ऊपर उतर रहे हैं, आपको छुटकारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके बीमार से, आपके तकलीफों से, कष्टों से परमेश्वर अपने दया के अनुसार आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्यवान है। इसे सुनने वाला आप कोई भी हो, मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको आज परमेश्वर अपने दया के अनुसार आपको छुटकारा करने के लिए सामर्थ्यवान है। इसलिए अपने सारे बातों को यीशु मसीह के चरणों में उंडाल कर, इन वचन को विश्वास कर आप उसके तरफ देखो, जरूर आज परमेश्वर के छुटकारा के सामर्थ्य आपके जीवन में उतर कर आएगा। आइए समय हम प्रार्थना करेगा, अपने आंखों को बंद करेंगे। आज उद्धार के दिन है, आज आपके लिए परमेश्वर की दया आपके जीवन में प्रकट होकर आपको छुटकारा देने वाला दिन है। इसलिए अपने आंखों को बंद कीजिए और परमेश्वर की तरफ देखिए। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप सारे लोगों के ऊपर भलाई करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इसे सुनने वाले जिसके भी जिंदगी में जो भी कमी है, जो भी बुराई है, उसे दूर कर हर एक के जीवन में भलाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के परिवार में आपके भलाई उतर आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जहां पर इनकी भलाई की अवश्य है, वहां पर परमेश्वर आप इनके लिए भलाई कर रखे, इसमें धन्यवाद प्रभु। और आपकी दया हमारे ऊपर उतरने दो प्रभु। जो भी इस वचन को सुनकर आपके तरफ देख रहे हैं, आप हमारे क्रियाओं को देखकर नहीं, हम अच्छा क्रिया कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं कर देकर नहीं, हम जब आपके वचन को विश्वास कर आपके पास हम अपने आप को समर्पण करते हैं। आप जब हम आपके दया को हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं, इस समय आपके तरफ देखने वाले हरेक के ऊपर आपके दया उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने दया के द्वारा हरेक सभी प्रकार के पापों के बंधन से आप छुटकारा देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप अपने पवित्र लहू से हर एक को छुटकारा देकर पापों को क्षमा कर अपनाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और जो भी बीमार के बंधन में फंसा है, अब इसी समय परमेश्वर आप उनके बीमार को चंगाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपके दया से अभी इसी समय चमत्कार होने दो प्रभु, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। अब महान कार्य किया है और भी करने वाला, से धन्यवाद। सारे स्तुति गौरव में हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, भलाई परमेश्वर आपके साथ है, वो अपने दया के अनुसार आपको छुटकारा किया है, आगे भी जरूर आपको चलाएगा, आपको अगुवाई करेगा, आपके साथ रहेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष करे, आमीन।